हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमृता आज आप सबके लिए लेके आई हूँ भंडारे वाले मजेदार आलू की सब्जी और साथ में सर्व की जाने वाली हलवाई स्टाइल पूड़ी। तो चलिए बनाते हैं इन दोनों मजेदार रेसिपीज को। सबसे पहले आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू, वेट में करीब ये 360 ग्राम है। तो चलिए इनको छील लेते हैं। तो सबसे पहले इनका छिलका हम निकाल लेंगे, अगर थोड़ा बहुत छिलका बच भी जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस सब्जी को बनाने के लिए हलवाई से चाकू से काटते नहीं है, इस तरीके से हाथों से तोड़ देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे याद रखिएगा। इसे थोड़ा सा जो है हमें मैश कर देना कुछ आलू को पार्ट को, और बाकी के चंक्स थोड़े से बड़े रखने हैं हमें। अगर सारे आलू आप अच्छे से मैश कर देंगे तो जब सब्जी हमारी रेडी होगी तो वो पेस्ट जैसी दिखेगी। आप यूँ समझिए कि हमें 1/4 हिस्से को थोड़ा अच्छे से क्रश करना है और बाकी हिस्से को हमें चंक्स में रखना है। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से क्रश हो चुके हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है 1 चम्मच, पर अगर आप ऊपर तेल की तरी चाहते हैं हलवाई स्टाइल में तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मतलब 1 बड़ा चम्मच तेल डालिएगा। मुझे ऐसा लगता है खाने में तेल उतना ही डालना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अलाउ नहीं करता बहुत ही ज़्यादा तेल डालने के लिए। वैसे भी हम इसके साथ पूड़ी खाएंगे तो जहाँ पे हम तेल कम कर सकते हैं कर देते हैं। तो चलिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा के साथ हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच सौंफ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और 1 बड़ा चम्मच धनिया। धनिया को हमें दरदरा कूट के डालना है, खड़े दाने नहीं डालने हैं। और आप ये तीनों चीज़ डालिएगा, इसमें एक भी इंग्रेडिएंट मिस मत करिएगा। इसको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच हींग। इस सब्जी में हींग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने 1/4 चम्मच यहाँ डाला है और 1/4 चम्मच मैं बाद में डालूंगी, आप 1/2 चम्मच भी यहाँ डाल सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक घिसा हुआ डाला है मैंने, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं पर घिसे हुए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो कोशिश करिएगा कि आप अदरक घिस के डालिए, ग्रेट करके डालिए। तो इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर कद्दूकस किया हुआ, आप चाहें तो मिक्सर में हल्का सा इसको दरदरा पीस सकते हैं, बहुत फाइन पेस्ट इसमें मज़ा नहीं आता है तो आप इसको हल्का दरदरा ही रखिएगा। इसको हम अच्छे से मसालों के साथ पहले मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बाकी मसाले। सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है इस सब्जी का। आप चाहें तो 1/2 चम्मच इसमें देगी मिर्च डाल सकते हैं तीखा करने के लिए। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के पेस्ट को भून लेंगे। तो इस तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे या लो फ्लेम पे हमें नहीं भूनना है। इसको करने में करीब हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन रहा है। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि आपके घर में अगर कभी कोई पूजा होती है तो आप ये पूड़ी और सब्ज़ी बनाइए, हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। आप सुबह से ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। मैंने आपसे पीछे कहा कश्मीरी मिर्च के साथ आप तेगी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर आप तेगी मिर्च तभी डालिएगा जब आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डालिए। बेसिकली सब्जी को बनाते समय हलवाई टमाटर का इस्तेमाल कम करते हैं और अमचूर पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं इसको खट्टा करने के लिए, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम यहाँ डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पहले हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा तवे पे, उसके बाद हाथों से इस तरीके से रगड़ के सब्जी में मिलाना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से रगड़ के मैंने कसूरी मेथी को पेस्ट में डाल दिया, और ये जो बचा है मेरे हाथ में इसे हम हटा देंगे। अब हम इसे पेस्ट में अच्छे से मिला लेंगे और करीब 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे, इससे इसका फ्लेवर मसालों में अच्छे से आ जाता है। इस सब्जी को एक्जैक्टली वैसे ही बनाइएगा जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ये इतने मज़ेदार, टेस्टी और क्विक बनेगी कि आप भी कहेंगे कि बस अब हर संडे तो यही ब्रेकफास्ट में हमें बनाना है या किसी भी पूजा में हमें इसे ही बनाना है। ये इजी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो लीजिए, मसाला हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने क्रश किए हुए आलू। तो मैंने सारा आलू डाल दिया है। अब इस में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। मैंने सेंधा नमक डाला है जो व्रत में इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी नमक यूज़ करते हैं डाल सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ। आलू मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को देखिए, इस तरीके से मैंने फाड़ लिया है चाकू से, और ऊपर से हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जब सब्ज़ी में आपको हरी मिर्च मिलती है ना, और उसके साथ खाइए, आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने 3 हरी मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैंने 1 ग्लास पानी लिया है, 250 ml पानी है ये। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए और इसे मिला लीजिए। तो पहले मैंने आधा ग्लास पानी डाला है और इसे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, पानी की जो क्वांटिटी है ठीक ठीक दिख रही है, पर अभी इसमें हम पानी और डालेंगे, क्योंकि जब हम कुक करेंगे तो पानी हमारा कम होगा। तो इसमें जो बचा हुआ पानी है वो भी मैं डाल देती हूँ और इसको फिर से मिला लेंगे। तो ये देखिए, पानी हमारा अभी यहाँ परफेक्ट हो गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। इससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। गरम मसाला 1/2 चम्मच, और मैंने आपसे कहा था ना 1/4 चम्मच हींग मैं बाद में डालूंगी, तो मैंने वो हींग यहाँ पे डाली है। जब हम ऊपर से हींग डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी आती है। सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है। अब हम इसको कवर करके करीब 3 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा देर नहीं हमें कुक करना है, 3 से 4 मिनट सफिशियंट होता है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक इम्पॉर्टेंट टिप। आलू पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है और नमक को भी, तो हमें इसमें नमक अच्छे से डालना होता है। साथ ही जितना पानी मैंने अभी इसमें डाला है, अगर तुरंत आपको सर्व करना है तो ये सफिशियंट है, पर अगर आपको इसे देर से सर्व करना है तो पानी आप ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो आलू पानी सारा सोख लेता है। तो देखिए, मैंने 3 मिनट के बाद खोला और हमारी सब्जी तैयार है। इसको हम किनारे रख देते हैं कवर करके, और चलिए करते हैं पूड़ी की तैयारी। इसके लिए लिया है मैंने गेहूं का आटा 1 कप। इसके लिए सिर्फ गेहूं का आटा लेते हैं, इसमें कोई मैदा कोई बेसन नहीं पड़ता है। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे नमक और आटे को। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का डो बनाएंगे। डो हमें इसका एकदम कड़क बनाना होता है। अब कड़क क्यों बनाना है, टाइट क्यों बनेगा, ये मैं आपको पूड़ी बनाते समय बताऊंगी। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हलवाई लोग करते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने पानी और डाल दिया है। पानी बहुत बहुत ही कम, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, जिससे हमारा आटा सॉफ्ट नहीं बने। हमें आटा बिल्कुल टाइट चाहिए यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरीके से आप जब नीट करते हैं ना, पंच करते हैं, तो पानी सारा आटे के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जब नीडिंग करते हैं हम आटे की। करीब 5 मिनट मैंने इसे नीड किया है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको नीड करने की ज़रूरत नहीं है होती है, और इसे रेस्ट पे रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप नीड करके तुरंत पूड़ी बना सकते हैं। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर हल्का सा, बहुत ही हल्का सा तेल लगा देंगे चारों तरफ से, जिससे हमारा आटा फटेगा नहीं। तो लीजिए, आटा तैयार है, चलिए बनाते हैं पूड़ी। तो मैंने आटे को ले लिया है। इसको हम जो है 2 हिस्सों में बांट लेंगे पहले इस तरीके से, और अब हम इसको रोल कर लेंगे लंबा लंबा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसे कर रही हूँ। इस तरीके से करने से क्या होगा, हम कई बॉल्स एक बार में निकाल लेंगे और हमारी पूड़ियाँ जल्दी जल्दी बनेंगी। हमें बार बार बॉल्स बनाने का झंझट नहीं रहेगा। तो ये देखिए, एक बराबर मैंने इसको काट लिया है, इससे हमारी पूड़ी का साइज़ भी इवन आएगा। और इस तरीके से रोल करके, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट टिप है, हलवाई कभी भी इसमें सूखा आटा नहीं लगाते हैं, सिर्फ तेल में डुबो के तब बेलते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हार्ड डो चाहिए था, मुलायम डो नहीं चाहिए था। अगर मुलायम डो होता तो और आप तेल में डालते
तो वो बिल्कुल से फैल जाता और अच्छे से बिलता नहीं। और इसकी थिकनेस जो होती है ना, वो जो नॉर्मल पूड़ी हम घर में बनाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती। भंडारे में जो पूड़ी बनती है वो आपने अगर खाई होगी तो हल्की मोटी होती है, तो हम भी उसी तरीके से थोड़ी सी मोटी पूड़ी बनाएंगे। और ये तेल मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और इसमें छोटा सा पीस डाला, ये देखिए ऊपर आ गया। इसका मतलब हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट है, रेडी है पूड़ी बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। इसको पहले निकाल लेते हैं। तो ये मैंने डाल दी पूड़ी, गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और ये इस तरीके से ऊपर से चला देने से फटाफट से पूड़ी फूल के ऊपर आ जाती है। ये देखिए कितनी फूली फूली और कितनी अच्छी पूड़ी बनी है। इसे पलट के दोनों तरफ से अच्छे से लाल कर लेंगे जिससे करारी पूड़ी बनेगी। और साथ ही आपको बता दूं, अगर पूड़ी तलते तलते आपका तेल ठंडा होने लगे तो गैस की फ्लेम को तुरंत हाई करिए और तेल को प्रॉपर गर्म रखिए। अगर आपका तेल ठंडा होगा तो पूड़ी तेल पी लेगी और साथ ही फूलेगी नहीं, पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म होना चाहिए प्रॉपर फूली हुई पूड़ी के लिए। तो इस तरीके से हम अपनी सारी पूड़ियाँ सेक लेंगे। ये देखिए तुरंत ऊपर आनी इसने स्टार्ट कर दी। इस तरीके से हल्का सा मैंने चला दिया और ये देखिए किस तरीके से फूल के ऊपर आ गए। टेम्परेचर ऑयल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि एकदम परफेक्ट रहे। हलवाई जैसी पूड़ी बनानी है तो लाल लाल करारी करारी बनाने के लिए इसे अच्छे से दोनों तरफ से सेकिएगा। तो ये देखिए आप इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। वो हमेशा हाई फ्लेम पे बहुत सारी पूड़ियाँ एक साथ तलते हैं। तो लीजिए हमारी पूड़ी तैयार है, चलिए इसको करते हैं सर्व। तो ये देखिए सबसे पहले हम सर्व कर रहे हैं अपनी भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। ये कितनी ज़्यादा टेस्टी और अच्छी दिख रही है, इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मेरी कोशिश रहती है आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ ही आप उसे जल्दी से जल्दी बना सकें, जिससे आपका काम और लाइफ हो सके आसान। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।